नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये है रूटस्टॉक सीडलिंग है। वैसे क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे पौधे सीडलिंग ग्राफ्टिंग पे जो थे वो मंगाए थे सेब के, और उनमें से काफ़ी पौधे सूख गए थे, परंतु जो कलम थी वो सूख गई थी, यहाँ वाली कलम जो नहीं उग पाई, नहीं हरी हो पाई। तो मैंने इन पौधों को उखाड़ा नहीं, क्योंकि इस साल मैं इनमें ग्राफ्टिंग कर सकूं, इसलिए मैंने इनको एज इट इज ऐसे ही बढ़ने दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब समय आ चुका है, तो जनवरी की आज 21 तारीख हो चुकी है, और जनवरी के इस समय पे ग्राफ्टिंग करने का जो है वो बिल्कुल सही समय है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें तीन शाखाएँ हैं, मैं कोशिश करूँगा तीनों शाखाओं पर अलग अलग वेराइटी को उगाऊँ। एना HRMN 99 और आपकी गोल्डन डोरसेट, दोनों तीनों वेराइटियों को उगाऊँ, क्योंकि तीनों वेराइटियाँ काफ़ी अच्छी वेराइटियाँ हैं। तो दोस्तों मैंने लगभग ज़मीन से 1 फीट ऊंचाई पे इनको बिल्कुल ऐसे काट देना ऊपर से, ये ग्राफ्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। और आपके पास भी अगर इस प्रकार के रूट हैं तो आप उन पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जो आपके पास अगर कोई पौधा सेब का उग गया तो उनसे साइन लेकर, जैसे कि हमने लिए हैं, ये मैंने साइन लिए हैं गोल्डन डोरसेट की, और ये एना की, और ये अपनी HRMN की। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक तेज धारदार चाकू होना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, और पोलोथीन स्ट्रिप होनी चाहिए, रूट स्टॉक होना चाहिए, और साइन होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर से हमने कट कर दिया, फिर क्या करेंगे, हम एक वैरायटी चूज़ करेंगे, जो भी वैरायटी हमने लगानी है इस पर। तो मैंने ये चूज़ करी है, ये काफ़ी अच्छी है, ये चूज़ करी है मैंने दोस्तों, ये है गोल्डन डोरसेट, और मैं नीचे से कट करूँगा और ऊपर से भी गोल कट करूँगा इस प्रकार से, देखिए दोस्तों। और फिर मैं चाकू, तेज़ धार चाकू होना चाहिए दोस्तों इसमें, इस प्रकार से चाकू को लूँगा और इस प्रकार से कट लगाऊंगा इसमें। अब सावधानी बरतें, चोट ना लगे, इस प्रकार से लगभग 2 इंच का, 1.5 से 2 इंच का कट लगाऊंगा मैं, ये काफ़ी अच्छा कट लगा दिया। और फिर बीच में से इसी प्रकार से बीच में से फाड़ूंगा, और जिस शाखा पे हमको ये कलम चढ़ानी है उसको भी मैं इसी प्रकार से चीरा लगाऊंगा। इस पे हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, मैं लिंक आई बटन में जो है वो शेयर कर दूंगा, और आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं कि सेब के पौधे पे ग्राफ्टिंग कैसे करें। तो दोस्त देखिए दोस्तों, मैंने चीरा लगा दिया है, अब दोनों चीरों को जो कट लगा इस प्रकार से अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, और दोनों को जोड़ को इस प्रकार से मिला देंगे, और इस प्रकार से मिलाने के बाद जोड़ बिल्कुल अच्छे से मिल जाना चाहिए दोस्तों। मिलने के बाद हम पोलोथीन स्ट्रिप लेंगे इस प्रकार की, जो हमने पहले से ही बनाई हुई है, और नीचे से बांधना चालू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। कोशिश करें टाइट बांधें, और ये जोड़ जो है दोस्तों ये 100% एयर टाइट होना चाहिए, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, यानी पानी नहीं जाना चाहिए बाहर से, बारिश का या किसी भी प्रकार से। अगर हवा इसमें चली गई भी, क्योंकि मैंने जो सामान वगैरह घर में आता उसी को मैंने पॉलीथीन स्ट्रिप बना लिया, ये कर दिया है दोस्तों। अब मैं एना की लगाऊंगा कटिंग, इस पर ग्राफ्टिंग करूंगा एना की ये री। और दोस्तों साइन का सिलेक्शन कैसे करें, ये भी एक सवाल है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फ्रूट बर्ड वाली शाखा लोगे, यानी फ्रूट चेन को लोगे, तो अच्छी क्वालिटी का उसमें फुटाव नहीं आएगा, और आपका जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसलिए आप वाटर सूट को लें ग्राफ्टिंग के लिए, वाटर सूट आप जानते ही हैं कि सेम में वाटर सूट कैसा होता है। तो ग्राफ्टिंग के लिए ऐसी शाखा जो तेज़ी से भागती है उसको लें,
वेज ग्राफ्टिंग करूं, क्योंकि वेज ग्राफ्टिंग भी काफी अच्छे सक्सेस हो जाती है। बीच में हम रखेंगे चाकू और ऊपर से थोड़ा फोर्स लगाएंगे, इस प्रकार दोनों को जोड़ को इस प्रकार से निकालते हुए। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ का जोड़ जरूर मिलना चाहिए और फिर वही काम पॉलिथीन स्ट्रिप से एयर टाइट बांधना है। इस प्रकार से और फिर तो दोस्तों हमने इसको काफ़ी अच्छे एयर टाइट बांध दिया। आप जितनी भी संभावनाएं हो सेब को उगाने की वो करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग में जब हम मंगाते हैं बाहर से तो हमारे सेब के पौधे मर जाते हैं और फिर हम निराश होते हैं कि हमारा जो रूट स्टॉक है उसका क्या करें। ये एक अल्टरनेट तरीका है अपने पैसों को बचाने का और पौधे उगाने का। तो दोस्तों देखिए, हमने तीन कलमें लगाई हैं, आप एक कलम भी लगा सकते हैं या लगानी चाहिए एक ही कलम लगानी चाहिए, पर मैंने तीन कलमें अलग अलग वैरायटी की लगाई हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।